दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। साई प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले, वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से एक अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने शहर के हॉटस्पॉट क्षेत्रों का किया निरीक्षण, लोगों से की अपील, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। कैंट थाना क्षेत्र के बेतियाहाता से आबकारी विभाग ने लाखों रुपए मूल्य के ब्रांडेड कंपनियों के स्टिकर व बारकोड के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। गिडा स्थित निर्माणाधीन RTO ऑफिस का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। नवागत SP ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने संभाला कार्यभार, कहा शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाना होगी पहली प्राथमिकता। जनपद के ग्रामीण इलाकों में टिड्डी दल ने उड़ाई किसानों की नींद, खेतों में रहकर किसान फसलों की करी रखवाली। कोतवाली थाना क्षेत्र में अवैध निर्माण को GDA व नगर निगम के संबंधित अधिकारियों ने कराया ध्वस्त। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सहजनवा के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में खाद्यान्न व निःशुल्क पाठ्यक्रम पुस्तक का किया वितरण। जिला चिकित्सालय के OPD और इमरजेंसी पर लगाया गया साउंड सिस्टम, लोगों को कोरोना वायरस के प्रति किया जा रहा है जागरूक। कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर बेतरतीब खड़ी दर्जनों गाड़ियों का यातायात पुलिस व संबंधित चौकी इंचार्ज ने किया चालान। कोरोना काल में अभिनव प्रयोग, ऑनलाइन रामलीला ट्रेनिंग वर्कशॉप वेबिनार ने रचा इतिहास, 9 देशों के 300 प्रशिक्षणार्थी जुड़े। और बाल स्वर सेवा संस्थान एवं बाल स्वर समाचार पत्र के प्रकाशन के 25वें वर्ष में प्रवेश करने पर सदस्यों ने स्थानीय होटल में की बैठक, कहा संस्था व समाचार पत्र लगातार कर रहा है सामाजिक कार्य।